negativity sometimes lead into towards depression. So how to overcome that thing? जो रोंग कंपनी की वजह से नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके ऊपर आ गई, उसका सिंपल तरीका है कि आप अच्छी कंपनी, पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नेगेटिव जना हो जिन्हें पता ही ना हो वो नेगेटिव हो? ये तब तक ही समझ में नहीं आता जब तक आप अपने अंदर झांक के नहीं देखती, अपना एनालिसिस नहीं करती। आपको अपनी कमजोरियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को ओवर कमिट ना करें। नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आज आप लोग? गुड। बहुत से सवाल जब इस शो में आते हैं बाहर से, हजारों सवाल, उनमें से काफी कुछ संख्या ऐसे सवालों की होती है जिनसे उनको लगता है कि इतनी नेगेटिव सोच क्यों है। जो प्रश्न भी करने वाले लोग हैं, हमें जो प्रश्न पूछते हैं, वो भी कई बार हताशा की दिशा में होते हैं, हताश हुए हुए होते हैं, या समझते हैं कि जिंदगी में कुछ रह नहीं गया। इस प्रकार की नेगेटिव सोच होती है। तो हम लोगों ने सबके मिलकर सोचा कि क्यों ना इस पर चर्चा की जाए कि नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव सोच क्या है, उसके क्यों होती है, किस कारण से होती है, और अगर होती है तो उसके रिपरकशंस क्या हैं, हमारे पर उनका असर क्या है, और अगर असर गलत है तो उसको हम कैसे ठीक करें, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलें। आपको लगता है कि ये विषय पर चर्चा करनी चाहिए हमें? किसी आपको लगता है कि किसी में आपको कुछ ऐसी फीलिंग जो आपको अपने बारे में लगे कि मैं नेगेटिव सोचता हूं या सोचती हूं, कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना तजुर्बे, बताइए। सर एक्चुअली में मेरे साथ क्या होता है कि समटाइम्स द थिंग्स आर नॉट रियली हैपन, लेकिन उनको मैं अपने माइंड में नेगेटिविटी लेके सोच लेती हूँ कि ये चीज हो चुकी है। तो दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी समटाइम्स ये होता है कि हम कुछ भी बोलते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें जो अपनी एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, वहां से ही हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, जिससे हम फेड अप हो जाते हैं और हमारा माइंड जो है नेक्स्ट सिचुएशन के लिए भी नेगेटिव प्रिपेयर हो जाता है। तो आई वांट टू आस्क कि हाउ शुड आई ओवरकम दीज नेगेटिविटी। इस पे सारी चर्चा करेंगे, इससे पहले कुछ और क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू शेयर सर, मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे 12th क्लियर करते हैं तो काफी प्रेशर रहता है कि यू नो आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, ये एग्जाम दो, एंट्रेंस वगैरह दो। सो मैंने भी डिफेंस का दिया था सर, आई कुडंट क्लियर। और जगह दिए, आई कुडंट क्लियर। मैं बहुत नेगेटिव फील करने लगा अपने बारे में, आई यूज टू क्राई। बट व्हाट हैपेंड, समवन टोल्ड मी कि नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हो, सो यू शुड ट्राई फॉर जर्नलिज्म। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई, आई गेव अ शॉट एंड आई क्लियर। सो राइट नाउ आई एम हियर। आई जस्ट वॉन्ट टू नो सर कि क्या वो ऐसी चीज होती है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव पर आओ या पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाओ। ये शो हमने क्यों शुरू किया? इसीलिए शुरू किया कि आज के यूथ में ही नहीं बल्कि मैच्योर लोगों में भी बहुत से प्रश्न रहते हैं, बहुत से सवाल दिमाग में आते रहते हैं जिन बातों का जवाब नहीं होता, या जवाब मिलता भी तो आप कन्विंस नहीं हो उस जवाब से। तो इस प्रकार से जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज जिंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियें चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, जिंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूं, जिंदगी का सार, निचोड़,
केवल दो ही हैं, एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस पांच हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है, हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं। लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा, और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूं, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे। जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम जिंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, आप उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, छह सात लोग अगर बैठे हैं उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी होना तो वो फायदा कर सकता, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है, उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है। तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं, किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं, वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेल्योर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहां पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयां भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है, आपके अपने अंदर, उसको भी उसको स्ट्रेंथ में कैसे ला जाए ये भी जान लेना बहुत जरूरी होगा। एक्चुअली सर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड लाइक इन नाइन्थ क्लास, व्हेन आई वाज इन नाइन्थ क्लास, सो माय फ्रेंड्स लाइक लिटरली कॉर्नर्ड मी, they were not talking to me and I just literally got into depression. It was like negative thoughts coming in my mind again and again, like if I approach them they won't talk to me. So I agree with you, yes, negative has some positive points, but then if we look at another side of the coin, then we find out that this negativity sometimes lead into us depression. So how to overcome that thing, like not getting into depression? Yes, thank good, you good question, and we will discuss these questions. Pehle bhi sawal kisi ne kiya tha, wo bhi aur ye bhi. Abhi hamare paas ek caller hain Lucknow se, Adarsh Alankar. Yes sir. Ha Adarsh ji, bataiye kya question hai aapka? Okay sir, actually my question is that sir ki agar sir like ek small capital mein if पर्सन रनिंग एट एन इवेंट एजेंसी, तो सर एक स्मॉल कैपिटल में सर अप्रोचेस जो करना होता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में न्यू है, ठीक है सर, बट अगर वर्क एक्सपीरियंस है अच्छा, जैसे सर मैं छह साल से इवेंट्स एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन सर्विसेज में मतलब मैंने जो है काम किया है, तो आई हैव अ गुड ग्रिप, और मैंने काफी ग्राउंड लेवल पे शुरू किया था, जो भी लाइक ग्राउंड लेवल का काम होता है वो ग्राउंड लेवल के काम से लेके और एग्जीक्यूशन ऑफ टोटल इवेंट सारा करते हैं। लेकिन सर जब किसी बड़ी कंपनी में मैं जाता हूँ, ठीक है, तो
सर मोस्टली सर यही होता है कि हाँ ठीक है वी विल सी जस्ट सेंड यू प्रोफाइल टू अस, तो सर प्रोफाइल भेज देते हैं और आई थिंक 50 to 60 कंपनीज विजिट करने के बाद प्रोफाइल भेजने के बाद सर कहीं ना कहीं फाइनली आता है कि ठीक है विल सी यू, अभी तो हमारा परमानेंट वेंडर काम कर रहा है, तो सर उसके बाद डीमोरलाइजेशन आ जाता है एक टाइम के बाद। हम आपका सवाल समझ गए, आप कैसे कोई जवाब देना चाहेंगे उनके सवाल का? गुड आफ्टरनून सर, सो आई वुड लाइक टू से कि ये जो इतने ट्राई करते हैं इस ट्राई करने में भी उन्हें कुछ बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये होता है कि उन्हें उससे कुछ सीखने मिल रहा है, उन्हें उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो उन्हें उसे उस तरीके से देखना चाहिए कि उन्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो कुछ खो नहीं रहे बल्कि कुछ पा ही रहे उससे। निधि ने आपको एक बड़ा मोटिवेटिंग थॉट दिया है कि जो आप ट्राई कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलती है उसको आप पॉजिटिव रूप से लीजिए ना कि नेगेटिव रूप से, क्योंकि उसमें से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन थैंक यू निधि, लेकिन साथ में आपकी समस्या का हल ये नहीं हुआ, उसके लिए मैं ये समझता हूं कि आपको थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में कुछ न कुछ जानना चाहिए, अपने आप को मार्केट कैसे करना। मेरे अंदर भी एक टैलेंट है और मैं आपका काम अच्छे तरीके से कम पैसे में कर सकता हूं, मेरी एजेंसी कर सकती है, ये आपको कन्विंस करने के लिए कुछ न कुछ मार्केटिंग टूल्स बनाने पड़ेंगे, क्यों आप लोग मानते हैं बात? यस सर। और उसके लिए कुछ न कुछ सिंपल किताबें आपको पढ़ने को मिल सकती हैं, जिनको पढ़िए उसमें मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 100 लोगों को बात करें तो 100 में 100 ही कोई आपकी बात ना सुने, लेकिन बात को एक कहने का तरीका, मार्केटिंग किस प्रकार से की जाए, अपने आप को कैसे आपको सामने वाले को कन्विंस किया जा सके, इसके कुछ नुस्खे आपको समझने पड़ेंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। थैंक यू सर, सॉरी सॉरी। सर आई थिंक नेगेटिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सक्सेस, ओवर कॉन्फिडेंस इज अ की ऑफ द फेलियर, सो आई थिंक नेगेटिविटी भी होना चाहिए अपने अंदर कि हम लोग को लगे कि वी कैन वर्क मोर हार्डर देन वी आर डूइंग। वेरी गुड सेइंग, बट लेकिन उससे पहले कि हम दूसरे क्वेश्चन पर आए, इतना अमेंडमेंट करना चाहूंगा, आपकी बात ठीक है कि हर चीज में आप पॉजिटिविटी ही रखेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं आप ओवर कमिट कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान हो सकता है। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि आपको नेगेटिविटी की बजाय ये कहिए कि कॉशियसनेस रहना चाहिए, आपको अपनी कमजोरियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को ओवर कमिट ना करें। सर जब आप डिसअपॉइंट होते हो तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या करते हो, नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हो? मैं बताऊंगा उसके विषय में। सर जैसे कई बार हम हार्ड वर्क भी करते हैं उसके बाद हमें इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जो हमें मिलने चाहिए, तो उसके कारण कुछ न कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो हम डिप्रेशन में ना जाएं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज नेगेटिविटी? बेसिकली साइकोलॉजी में और साइकेट्रिस्ट जो हैं वो नेगेटिविटी को केवल एक हमारी टेंडेंसी है ऐसा मानते हैं। हम लोग पॉजिटिव टेंडेंसी से नेगेटिव टेंडेंसी, ये एक चीज है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हम नेगेटिविटी के एडवर्स रिजल्ट तो बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसको ठीक ना किया जा सके ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी है ये इधर झुकने की, या अगर थोड़ा सा इधर झुकने की बजाय इधर झुकने लगो पॉजिटिविटी की तरफ तो वो टेंडेंसी बदल जाएगी। तो नेगेटिविटी सिर्फ इतनी बात समझना चाहिए कि दिस इज वन ऑफ आवर टेंडेंसी लाइक मैनी अदर्स। ये जब समझ लेते हैं हम तो दूसरा प्रश्न उठता है कि क्यों, कैसे हम लोग नेगेटिविटी में आते हैं। ये दो तरह से, जैसे मैंने कहा आपको, या तीन तरह से ब्रदर ये कहूंगा, तीन तरह से हम नेगेटिविटी में आते हैं। एक जन्म से हमारे अंदर होता है नेगेटिविटी, जो कि टैलेंट होता है हमारा, जिसको हमने पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट किया कि आपके अंदर अगर जन्म से नेगेटिव एटीट्यूड है तो
तो आपके अंदर वो टैलेंट है, वन ऑफ द टैलेंट इज नेगेटिविटी, जिसको अगर आप ठीक से इस्तेमाल करें तो उसको बड़े अच्छे रूप से इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया जिंदगी में, और खासकर यंग एज में, कम एज में, उसकी छाप इतनी गहरी हमारे ऊपर पड़ती है, वो हमारी पूरी सोच बदल देती है, पूरी पॉजिटिविटी को एकदम नेगेटिव रूप में ले जाके हमको खड़ा कर देती है, और हमारी पूरी जो पर्सनैलिटी, पूरी जो चीज जिसको लेके हम पैदा हुए थे, उसको पूरे तोड़ मरोड़ देती है। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया या उसने मेरे साथ काम किया, बात एक ही है। मैंने उसमें देखा कि वो हर पैसे वाले आदमी के खिलाफ था आदमी, जब भी उसको मौका मिलता था वो नेगेटिव बात उनके बारे में करता था, उनको हर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। दूसरा, रिश्तों में उसका विश्वास नहीं रह गया था, किसी प्रकार के रिश्ते में उस आदमी का विश्वास नहीं था। बहुत सोचा, और बड़ा ब्रिलियंट आदमी, बिजनेस के अंदर बेस्ट, स्ट्रेटजी में बड़ा अच्छा, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा। तो उसको हमने किसी तरीके से उससे पूछा, क्यों हुआ है? तो आपको भी सुन के हैरानगी होगी, जो मुझे भी हुई। जब बचपन में जब उसका जन्म हुआ उस आदमी का, तो उसका सबसे बड़ा भाई करीब 37 वर्ष का था जब उसका जन्म हुआ, उससे दूसरे नंबर छोटी बहन कोई 32-33 साल की थी, तीसरा एक भाई और था वो भी करीब 28 साल का था। तो ये समझिए कि 28 वर्ष के बाद उसके यहां उसकी मां ने उनको कंसीव किया और उसका जन्म हुआ। तो जहां वो चार पांच वर्ष का हुआ, 6 वर्ष का हुआ, उसको सुनने को मिला बार बार उस परिवार में, क्या लगता है आपको क्या सुनने को मिला होगा? कि भैया तू तो बिना बुलाए आ गया। आप सोचिए उस 5-6 वर्ष के बच्चे की साइकोलॉजिकल हालत क्या होगी। और रही सही कसर, वो कहता साहब हमारी एक दुकान होती थी जिस दुकान में मेरा बड़ा भाई संभालता था, तो जैसे मैं 10-12-15 वर्ष का हुआ तो उस बड़े भाई ने मुझे नौकरों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार मेरे साथ किया। मुझे वो रोज हुक्का भरने को बोलते थे, पानी लाने को बोलते थे, मीन काम कराने को कहते थे। तो बोले मैं 18 वर्ष की उम्र में घर से भाग आया, भाग के आके कहीं पे नौकरी की, कुछ किया, पढ़ा लिखा, खुद आगे बढ़ा जिंदगी में, एमबीए तक किया, नौकरी करते करते एमबीए भी किया और लाइफ में बहुत आगे बढ़ा, लेकिन वो नेगेटिविटी उसका पीछा नहीं छोड़ी। तो ऐसे इंसिडेंट्स कभी कभी होते हैं हमारे साथ जो हमको पूरा रुख हमारा बदल देते हैं। किसी इंसिडेंट्स की वजह से आपके साथ हुई घटना घटी, उसकी वजह से आपका सोच बदली, उसको थोड़े अच्छे लोगों की संगत, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं सत्संग, अच्छे लोगों का साथ अगर लें तो उससे ठीक किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के कारण क्यों नेगेटिविटी आती है हम में, हम ज्यादा, बहुत से लोग जिंदगी में मिलते हैं, हम यहां 100 लोग बैठे हैं, हम में से 20-30-40 लोगों की टेंडेंसी नेगेटिविटी की तरफ होगी। अब उस व्यक्ति के साथ, उस लड़की के साथ ज्यादा से ज्यादा आप समय गुजारेंगे, नेगेटिव सोच के आदमी के साथ या औरत के साथ आप ज्यादा टाइम गुजारेंगे और वो आपसे थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग पावर रखते हो, तो धीरे धीरे मैं आपको नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये 3 प्रकार से नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। ये आपके प्रश्न का जवाब हुआ कि क्यों, व्हाट आर द रीजंस। अब ये है कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पर, वो तो हम लगभग सब जानते हैं।
कि नेगेटिव सोच के या माने इट इज एंटी सक्सेस, आपकी रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं रह सकती किसी के साथ, चाहे अपने मां बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे और रिलेशनशिप हो, वो अगर नेगेटिविटी रहेगी तो आप अपने फ्रेंड के बारे में, अपने भाई के बारे में, सबके बारे में आपकी उसकी कमियां जरूर देखेंगे, पॉजिटिविटी बाद में देखेंगे। तो जब नेगेटिविटी होगी तो रिलेशनशिप ठीक नहीं रह सकती, अगर पॉजिटिविटी होगी तो आपको सामने साथ वाले में सारी अच्छाइयां नजर आएंगी, नेगेटिव सोचेंगे तो उसकी सब बुराइयां नजर आएंगी, ये तो हम सब जानते हैं। और खास करके एक फिलोसोफर ने यह कहा कि भाई जिंदगी में मेरी चॉइस से तो मैं केवल फ्रेंड चुनता हूं और तो मैं अपनी चॉइस से नहीं चुना। तो जब जिंदगी में यह चॉइस हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास ये तो चॉइस है कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, तो उतना आप सबसे प्रेम करने लगोगे, प्यार करने लगोगे, नजदीक हो जाओगे। अब वही अगर नेगेटिविटी अपने माता पिता के बारे में भी रखोगे, फ्रेंड्स के भाई बहनों की तरफ भी रखोगे, वो भी आपको इतने प्यारे नहीं लगेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे भाई मेरे रिलेशनशिप मेरे परिवार से ठीक है, मैं उस घर में पैदा हुई हूं, मेरे पिता हैं, मां है, लेकिन ना उनकी बात मुझे समझ में आती और ना उनको मेरी बात समझ आती। तो इसमें दो चीजें आ जाती, फिर कहीं तो एक कम्युनिकेशन की गैप है, दूसरा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का भी रोल होता है। पल्लवी बोल रही हैं औरंगाबाद से। जी पल्लवी कहिए, क्या प्रश्न आपका? सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू ओवरकम नेगेटिव सिचुएशंस एंड सराउंडिंग। इसके मतलब बहुत बार ये होता है कि हम अपना पूरा काम करते हैं और सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जिसमें हम मतलब नहीं ये कर पाते हैं। हाँ, तो उसका पल्लवी एक ही चीज हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव थॉट के लोगों के बीच में रहिए, आपकी थिंकिंग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदलने लगेगी। सर एक्चुअली कहते हैं कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन भी कुछ हद तक काम करता है, और जो इंसान को अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है वो उसे सक्सेस की ओर लेकर जाती है। सर आप बताओ ये किस हद तक ठीक है? हमारा जो मोटिवेशन होता है कुछ करने का, उसको अचीव करने के लिए भी हम नेगेटिविटी का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने कभी सिचुएशन ऐसी एक्सपीरियंस की होगी, आपके आपका तजुर्बा आया होगा कि आप मान लीजिए अपने पिताजी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे छुट्टी पर जाने के लिए 10,000 रुपया वो दें, आपके मन में है कहीं, लेकिन आपने अभी तक अपने पिताजी से पूछा नहीं है कि मैं छुट्टी जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे पैसा दोगे कि नहीं दोगे। कहीं ना कहीं उनको कहीं से भनक लगती है कि स्कूल आपका जा रहा है, आपके कुछ साथी जा रहे हैं, आपके बिना पूछे वो कहते हैं देखो पल्लवी तुम मेरे से पैसे मत मांगना, मैं नहीं दूंगा पैसे तुम्हें, आपने तो अभी तक पूछा ही नहीं उनसे, खुद उन्होंने सुओ मोटो कह दिया। दूसरी सिचुएशन समझिए, कोई किसी लड़की को किसी लड़के पे प्रेम आया है, वो उससे रिलेशन बनाना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है, लेकिन वो जब मौका मिलता है तो उसको कहते देखो डोंट हैव एनी थॉट्स अगेंस्ट इन अबाउट मी, मैं वैसी वैसी लड़की नहीं हूं। दो ही केसेस में कहीं ना कहीं उनकी पहले हां है, पिताजी भी आपके पैसा देना चाहते हैं, वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करना चाहती है, तो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी छुपी है, यही एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है।
सर, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ नेगेटिव ऐसे होते हैं जिनकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि हमें फील होता है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नेगेटिव जना हो जिन्हें पता ही ना हो वो नेगेटिव हो, और उन्हें लगे कि नहीं मैं पॉजिटिव हूं? अगर ऐसा हो सकता है तो उनको कैसे रियलाइज हो कि नहीं मैं नेगेटिव हूं, मुझे पॉजिटिव होना चाहिए? प्रश्न तो ठीक है आपका, लेकिन अगर ये चीज ऐसे जानी जा सकती है, अगर आपका बिहेवियर पैटर्न रिपीटली ऐसा हो जिससे के सामने वाले को लगे कि आप नेगेटिव हो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तब तक ही समझ में नहीं आता जब तक आप अपने अंदर झांक के नहीं देखती, अपना एनालिसिस नहीं करती कि मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं। इसमें यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर ओन बिहेवियर पैटर्न। जी हेलो सर, नेगेटिविटी बहुत सारे फॉर्म्स में आती है, एनवी के फॉर्म में आती है, जेलिसी के फॉर्म में आती है, हेट्रेड के फॉर्म में आती है, फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में आती है, और फिर यही फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू एग्रेशन। अब सर, जो वो एग्रेशन होती है वो हमें भी हार्म करती है और हमारे आसपास वालों को भी। हम कैसे उस एग्रेशन को एक ठीक तरीके से चैनल कर सकते हैं, उसे हटाएं कैसे? इसीलिए मैंने कहा कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि नेगेटिविटी क्यों है आप में, और मैंने आपको तीन सोर्स बताए। आपको पहले तो उसको समझिए, जो आपका जन्म से है उसको हटाने के प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो आप हटा नहीं सकेंगे। जो किसी इंसिडेंस की वजह से हुआ है या किसी रोंग कंपनी की वजह से हुआ है उसको आप ठीक कर सकते हैं। जो रोंग कंपनी की वजह से नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके ऊपर आ गई, उसका सिंपल तरीका है कि आप अच्छी कंपनी, पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहिए, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इसी प्रकार से जो इंसिडेंस ऐसा कुछ हुआ है तो उसका भी तरीका है। हर घाव की मलहम होती है जैसे कहते हैं, और जब घाव भरता नहीं है, वो नासूर जब बन जाता है, तब एग्रेशन आता। हमारे कॉलेज टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सर मैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ। मुझे ये लगता है कि यदि मैं वहां जाके परफॉर्म नहीं कर पाई तो मेरी इंसल्ट होगी, बट लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सर इसका मैं, इस चीज को मैं रिमूव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से। तो आप में कॉन्फिडेंस भी है लेकिन फिर भी डर लगता है? यस सर। लेकिन आपको डर लगता है फेल्योर से, ना के पार्टिसिपेट करने से। इसमें तो सिंपल सी बात है, आपको हमको सबको पता है, गीता में भी कहा कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो ना, फल अपने आप मिलेगा। कर्म के ऊपर कंसंट्रेट करो। आपके अंदर टैलेंट है स्टेज पे जाके परफॉर्म करने का, उस पे विश्वास जगाइए, पूरी तरह से विश्वास जगाइए और कंसंट्रेट करके उसको उस समय में रह के उसको करिए। फेल नहीं होंगे आप, ये अपने आप को विश्वास दिलाए कि मैं फेल नहीं होंगे। नेगेटिविटी को आप अपना कुछ पॉजिटिव उसके एडवांटेज ले सकते हो। नेगेटिविटी की मैं बात कुछ थोड़ी बताता हूं आपको। आप अगर देखें, थोड़ा अभी उम्र कम है, जैसे जैसे आप लोगों को तजुर्बा आएगा जिंदगी का, आप लोग देखोगे समझोगे कि हम जिस प्रकार से बैठे हैं। अभी आप देखो इसमें मुझे, मैं अगली सीट पे भी एक कहूं, मैं अभी भाई ये ऐसे करके बैठे थे, आप बैठे हैं, कुछ लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं। आप में से कोई, कई लोगों की आदत होती बैठे हुए भी वो टांग हिलाते रहेंगे, अच्छा ऐसे करके बैठे हैं, कर ले मेरा क्या करना, मैं तो तेरी बात नहीं सुनता, हाथ बांध के क्लोज होके बैठे हैं। बॉडी लैंग्वेज हमारी जो होती है वो कई तरह से नेगेटिविटी को भी जन्म देती है, क्योंकि हमारे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जैसे इंसान में कहते हैं ना कि वी आर अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो हैव बीन अवर एंसेस्टर्स हैव बीन एनिमल्स, एनिमल इंस्टिंक्ट अभी भी होता है। उसी प्रकार से हम लोगों में झूठ बोलने की भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है।
हम नहीं बोलते कई बार क्योंकि हमको सिखाया गया झूठ बोलना पाप है, गलत है, पर हमारी बॉडी फिर भी झूठ बोलती है। ऐसे आपको धीरे धीरे समझ, आप लोगों को ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आएगा कि सामने वाला आदमी आपकी उसकी बॉडी कम्युनिकेट क्या कर रही है, नेगेटिविटी कम्युनिकेट कर रही है, उसका तरीका क्या। उस सामने वाले आदमी को जरा कंफर्ट दीजिए, कंफर्टेबल बनाइए। इसीलिए हमारे संस्कारों में है, जब कोई हमारे यहां आया चाहे किसी कारण से भी आया, उसको पहले पूछेंगे पानी पियो, चाय वाय की पूछेंगे, अच्छा घर में सब ठीक है, परिवार में सब ठीक है, ऐसी बातें करेंगे। वो सारे एक टूल्स हैं ये, जो हमें बिना जाने हुए हमारे संस्कारों ने दिए। उस आदमी को कंफर्टेबल किया, लड़की को, आदमी को, जो भी है उसको कंफर्टेबल करके फिर आप उससे चर्चा करेंगे। तो क्या किया आपने, उसकी जो नेगेटिविटी थी उसको आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। एक ये बड़ी चीज है, आप लोग ध्यान में रखिए इसको, कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलना। और कई लोग बड़े बड़े फेक स्माइल करते हैं हैं, आपको पता लग जाता है कि नहीं लग जाता कि भाई झूठ बोल रहा है, तो फेक स्माइल दे रहा है, तो ये भी नेगेटिविटी का भाग है। अब मैं फाइनली आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दी 10 वेज, डिफरेंट वेज टू ट्राई एंड रिड्यूस योर नेगेटिविटी। जो कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे शास्त्रों ने तो एक ही तरीका बताया है, वो क्या है, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए, अपनी कमजोरी, अपनी स्ट्रेंथ समझिए, अपना टैलेंट जानिए और उसके मुताबिक अपने पर काम कीजिए, मेहनत करिए। क्योंकि इस देश ने, इस संस्कृति ने, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसने दो धाराएं दी, एक भक्ति की धारा दी, भगवान के सामने प्रार्थना करो आपके पाप धुल जाएंगे, दूसरी श्रमण की धारा दी, मेहनत करो, स्वयं मेहनत करो, स्वयं के ऊपर कंट्रोल करो। तो कुछ इस तरह के फिल्मों के गाने भी बने हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, हम दिग्विजय करें, दूसरे की जय से पहले खुद को जय करें, यानी दूसरे को जीतने से पहले खुद को जीतिए। यही एक हमारी संस्कृति ने नेगेटिविटी को ना आने देने का रास्ता बताया। लेकिन वेस्टर्न थिंकर्स ने और लोगों ने जिन्होंने इस पर ज्यादा चर्चाएं की, वो 10 कारण ऐसे दिखते हैं। मैं तो उस पर एक पर ही विश्वास करता हूं, आपको भी कहूंगा उसी पर विश्वास करिए। लेकिन फिर भी वो रास्ता क्योंकि शायद इतना आसान है, इतना आसान है कि हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो 10 कारण में से ये कहता है कि एक तो डू नॉट टेक अदर्स नेगेटिविटी पर्सनली, एज दीज नेगेटिव पीपल आर ऑलवेज विद एवरीबडी। से आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, नेगेटिव व्यवहार करता है, उसको तो मत लगाइए कि यार ये मेरा बहुत से नजदीकी दोस्त है, बहुत से करीबी फ्रेंड है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, उसको पर्सनली मत लीजिए। क्योंकि वो जो आपका फ्रेंड है जिसकी नेगेटिव सोच है, वो सबके साथ ही ऐसा करता है, आप कोई अकेले नहीं हो, इसलिए उसको पर्सनली नहीं लेना। दूसरा, जो पहले भी मैं कह चुका हूं, स्पेंड विद द मोस्ट ऑफ द टाइम विद द पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से मिलिए, ज्यादा समय उनके साथ गुजारिए और आपको पता लग जाएगा। और ऐसे उदाहरण से समझें, आप चाहे आप अपने टीन एज में हो, चाहे आप यूथ में हैं, बहुत से ज्यादा आप लोग यूथ में हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जब आप किसी को पहली बार मिलते हैं, आपके कॉलेज में कोई लड़का या लड़की पहली बार ज्वाइन किया, आप पहली बार मिले, उस पहली मिलने में ही आपको या तो वो लड़का या लड़की पसंद आए या ना पसंद आए,
क्या कारण? वाइब्रेशन आती है, नेगेटिविटी होती है तो पता लगता है। अगर आप नेगेटिव सोच के हैं, सामने वाला पॉजिटिव सोच का है, तभी भी आपकी गन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कहा कि ज्यादा से ज्यादा समय पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारें। एंड देन जिस प्रकार का वर्ल्ड आप देखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू सी योर वर्ल्ड अराउंड, आप चाहते हैं कि जी मेरे साथ जो भी लोग हों अच्छे हों, ये जितनी नेगेटिविटी अखबारों में दिखती है, टेलीविजन में दिखती है, ये ना हो, मेरा शहर अच्छा हो, साफ सुथरा हो, सारी चीजें सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं ना। तो जैसा वर्ल्ड आप चाहते हो आपको मिले, वैसे ही सोच भी आपको अपनी बनानी पड़ेगी। इसलिए उसने आगे कहा कि नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव लाइफ पैदा नहीं हो सकती। देखिए, अगर हम सोचें कि भाई जैसे आपने कहा कि मैं अग्रेसिव हो गया, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ी कि अग्रेशन में बदल गई, और आप ये सोचें कि भाई जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, वाई नॉट मैं भी वैसा ही जवाब दूंगी। आज का युग तो नहीं है कि एक किसी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा भी आगे कर दो, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, आज के युग में नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने व्यवहार से, सामने वाला नेगेटिव है उसको बदलने की पावर है हम में, ये हमको सोचना चाहिए। अगर आप सोचने लगेंगे मेरे में पावर है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, में से हर एक आदमी यहां जो बैठा है उसमें डॉक्टर सुभाष चंद्र से ज्यादा पावर है। उसको केवल आपको पहचानना है और उसका इस्तेमाल करना है। पावर आप में है, हम सब में है, उसको पहचानिए, ये जरूरी है। तो आपको प्रैक्टिकल नगले लगेगा ये। फिर उसने कहा कंसंट्रेट ऑन द सिचुएशंस, मींस मैं आज की अपनी भाषा में कहूंगा कि लिव इन द प्रेजेंट, अब जो सिचुएशन है सो है, उसको एक्सेप्ट करिए। फिर वो कहता है लव हूसोएवर इज बाउंड टू बी लव्ड। ऐसा सोचेंगे आप, आपका कंपैशन जगेगा, आपके अंदर दया की भावना जगेगी। कोई अगर गरीब या बीमार व्यक्ति दिखेगा, वो भी ही डिजर्व टू बी लव्ड ऑल्सो, आपका कंपैशन जगेगा, आप में प्यार जगेगा, आपकी पर्सनैलिटी खुद की बदल जाएगी धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस करने से होगा। प्रोवाइड सपोर्ट व्हेन इट मेक्स सेंस। बहुत बार तो ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने आती है, खासकर मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि एक बार क्या हुआ, फूड कॉरपोरेशन का काम करता था मैं, दिल्ली आया ही था, 1973 की बात है, आज से 40 वर्ष पूरे हो गए। तो फूड कॉरपोरेशन में काम करते हैं, सरकारी दफ्तर है, तो कुछ ना कुछ सबका खर्चा पानी बंधा होता था। तो कुछ लड़के थे वहां, दो तीन असिस्टेंट लेवल के, तो एक रोज मैं अपने दफ्तर में दिल्ली में एंटर कर रहा था, ये दोनों लड़के वहां पे खड़े बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उनको देख लिया। तो एक उनमें से कहता है, यार ए सुभाष चंद्र का दफ्तर है, उधर जाके थोड़ा बेवकूफ बना के 500 रुपए तो लेके आइए। मैंने सुन लिया वो बात, मैं पीछे पीछे का पीछे हट गया, वो अंदर मेरे दफ्तर में चले गए, और मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई सर हम इधर से गुजर रहे थे, हमारे जेब में पैसा नहीं रहा, कुछ पता नहीं, ध्यान नहीं रहा, पर्स रह गया, कुछ 500-100 रुपए दे दीजिए। अब मैं समझ गया क्योंकि सुन चुका था अपने आंखों से, लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैंने फिर भी उनको 500 रुपए दिए। मैंने कहा इनकी नेगेटिविटी से मैं अपने आप को नेगेटिव क्यों बनाऊं, टिट फॉर टैट मैं क्यों करूं,
मेरा कर्म है करना, मैं वो करूंगा। सामने वाला अगर आपको बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ तो नहीं बना पाया ना, मुझे तो पता लग गया ना। आगे के लिए हो सकता है वो किसी को 10-20 हजार रुपए मांग लेते हैं उस टाइम में, केवल 500 रुपए में जान छूट गई, उसका पॉजिटिव रूप यही समझना पड़ेगा ना। तो इस तरह से समझ के चलिए, रियलाइज दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन। जितना जल्दी समझ लें इस बात को, उतना जल्दी हमारे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने क्या कहा, मैं टीनेजर हूं जी, मुझे जब तक हेड स्टार्ट नहीं मिले तो आप डिसअपॉइंट हो जाती है। जब आपको पता है कि लाइफ में अप्स भी आएंगे, डाउन भी आएंगे, हर सिचुएशन से डील करना सीखना पड़ेगा, तभी नेगेटिविटी आप दूर कर सकें। और फिर कंसंट्रेट ऑन प्रेजेंट, ये तो मैं बहुत बार कह चुका हूं, आप लोगों ने सुना ही है मुझे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लाइफ इज टू शॉर्ट, कीप मूविंग ऑन। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाषचंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाइप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। Z24 तास रहा एक पाऊल पुढे।